उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर के डीआरएम नरेंद्र कुमार निरीक्षण को लेकर झुंझुनू पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने सीकर लोहारू ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सीकर लोहारू ट्रेन जो दिन में 7 घंटे से अधिक समय लोहारू में खड़ी रहती है, उसे सीकर लोहारू के बीच चलाने की मांग की। इस पर डीआरएम नरेंद्र ने कहा कि ये बीकानेर डिवीजन का मामला है। तो वहीं चुड़ावा स्टेशन पर डीआरएम करीब 20 मिनट रुके। उन्होंने प्लेटफॉर्म का आरक्षण, खिड़की, स्टेशन अधीक्षण कार्यालय और अन्य स्थानों की व्यवस्थाएं देखी। तो जैसा मैंने बताया, मैं यहाँ आया हूँ जानने के लिए कि यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इन्होंने बताया है क्या क्या चाहिए, उसके बाद इसे हम एग्जामिन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी हम इनको सुविधा दे पाए वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। वो सब देखिए, पहले इसका एक प्रोसेस होता है, सीआरएस का अप्रूवल होता है, उसके बाद ही जो है सो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास तो अभी डीजल लोकोमोटिव से गाड़ियां चल रही हैं, तो फिर उसकी प्लानिंग करनी होगी। वो देखना होगा कि आगे भी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है कि नहीं, वो सारा देख करके रेलवे प्लानिंग करती है। बट हमारा फोकस ये है कि जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए हम उसमें इलेक्ट्रिक इंजन चलाएं। तो जैसे ये अगर सैंक्शन आ जाएगा तो उसके बाद जल्द से जल्द ग्रेजुअली, ऑलरेडी जयपुर डिवीजन में 72 ट्रेनें चल रही हैं इलेक्ट्रिक इंजन से,